किसी को मूर्तियों में भगवान दिखते हैं और किसी को इंसानों में भगवान दिख जाते हैं, और नास्तिकों को ना तो मूर्ति में भगवान दिखते हैं और ना ही इंसान में। कुछ ऐसे भी शख्स हैं जिन्हें संतों में भगवान नजर आते हैं। स्क्रीन पर नजर आ रही ये हैं वीना बेन पटेल। वीना बेन मूलतः गुजरात की निवासी हैं और कई वर्षों से फ्रांस के पेरिस शहर में रह रही हैं। वीना बेन की कहानी काफी उतार चढ़ाव से भरी है। कैंसर से पति की मौत के बाद उनका मन विचलित हुआ। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की और इसके बाद उन्हें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में ईश्वरी अंश नजर आ गया। वीना बेन पटेल एक साल से बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी हैं और लगातार दरबार में आकर अपने गुरु से मिलती हैं। वे पिछले रोज बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंची तो यहाँ उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। गुजरात का हूँ, गुजरात में आणंद गांव है, आणंद से विद्यानगर है, और मैं पेरिस में रहता हूँ। 23 साल की उम्र में यहाँ इंडिया छोड़ दिया था, अब तक पेरिस में ही हूँ। पेरिस में क्या करते हैं? बिजनेस था मेरा हस्बैंड का, बागेश्वर बालाजी से मैं एक साल से जुड़ा था, एक साल से ऊपर। मैं सच्चे भगवान के खोज में निकला था। सच्चे भगवान सब लोग बोलते हैं, सब लोग हाथ में चांदी दिखाते हैं, यही है, लेकिन भगवान मनुष्य जो भगवान होता है वो नहीं होता है। ये तो पूरे भगवान का अवतार है, सही है। मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, पहले से भी भक्त था, फिर बीच में वो चक्रावा में घूम गए थे। फिर मैंने बोला हनुमान जी को, प्रार्थना की कि अब हनुमान जी महाराज, जो आप सच्चे हैं तो कहीं से भी आकर खड़ा हो जाओ। तो एक दफ़ा मैंने हनुमान, मेरा हस्बैंड तो उसकी डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से, फिर भी मैं खोज में हनुमान जी के थे कि जो हनुमान जी है तो कहाँ पे है। सब लोग बोलते पत्थर में है, लेकिन साक्षात मुझे चाहिए, साक्षात हनुमान जी कहाँ है। और जो मेरे दादा थे ना, तो जो बचपन में मुझे बोल के गए थे कि कोई एक लड़का आएगा, एक लड़का तो जो जिसकी खोज कर रहा है वो आएगा। मेरे पापा ने भी यही बोला था, कोई आएगा। अब मैं राह देख रहा था कि कब आएगा। अब जब मैं ये यूट्यूब चैनल पर उनकी फ़ोटो देखी, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट देखो ना, तो मेरी हृदय की आवाज़ आई कि ये तेरा सच्चा भगवान है। तो मैं गुरु जी की यूट्यूब के चैनल पे, तो मैंने देखा उनको कि उसकी दो मिनट भी स्पीच नहीं लगी, तो उसकी फ़ोटो देखी, तो मैंने बोला कि यही भगवान है। तो फैमिली वालों बोलता, तू पागल हो गई है, ये कैसे भगवान होएगा। मगर ये सच्चा भगवान है। मैं जिस गुजरात में, विदेश में, गुजरात में मैं टीवी में देखा, वही टाइम पे, इस टाइम पे यहाँ पे, तो यहाँ मुझे खींच लगती थी। जब से उसको देखा तो रात को नींद नहीं आती थी, और चुपकी से मैं टीवी देखता था, मोबाइल भी चुपकी से देखता था, लोग देख ना जाएगा। वो बोला पागल है, यही बोलते थे। तो मैंने बोला कि अभी वो लोग मना भी करते हैं कि सबके कान खुलने वाली है, इन लोगों को ये तो पूछेगा ना। फिर मैं चुपकी से वो टीवी देखता था। फिर मैं यहाँ गुजरात आए थे तो मुझे जाना था, लोगों ने मुझे मना किया, फैमिली वालों हुआ है ना सब कुछ, वो मना करने देते कि वहाँ नहीं जाना, ये कर देगा, कोई बात नहीं है। फिर मैं पेरिस गए, होते लेकिन सबकी कांड खुलती है तो उन लोगों को तो मना ही करेगा ना कोई तो जोड़े होते हो ना। मेरे गुरु जी ने कभी मैंने मिला ही नहीं था, बस सिर्फ देखा। फिर पेरिस में गए, वो टीवी में मैं देखा, वो भी बच्चों को बोलते हैं कि अब कैसा तूने गुरु, मैंने बोला गुरु बदला ही नहीं है ही मेरा, तेरे पापा ने मुझे पति धर्म निभाना था तो स्वामी नारायण को मैंने हाथ जोड़ा, लेकिन असल में तो मेरा हनुमान जी है। किसी ने मुझे पूछा आज तक कि तेरा हनुमान जी है तेरे साथ वो, और जब मेरे घर में फ़ोटो थी ना, वो फोटो स्वामीनारायण वालों ने निकाल दिया था, मैं सच बोलता हूँ, और किसी ने मुझे पूछा ही नहीं आज तक। तो मैंने बोला सब फैमिली को वालों को सब कुछ इनके लिए मैंने किया आज तक, लेकिन मेरे लिए क्या करना है, मेरा जीवन तो कुछ होना ही चाहिए। तो फिर मैंने गुरु जी को देखा, फिर बच्चों को आहिस्ता करा। फिर एक दफ़ा है ना, तो किसी ने बोला कि तेरे घर की फ़ोटो बागेश्वर धाम लिखा हुआ था, और उस बोला उस नंबर लगाया, बोला आपके मंदिर की फ़ोटो और दरवाजे की फ़ोटो भेजा। तो मैंने भेजा, फिर आपको मैंने बोला अभी जब बागेश्वर धाम आएगा ना तो जो कुछ करना है वही करे, गुरु जी बोलेगा वही मैं करूँगा।